Top 10 best plot twist movies. Number 1, The Usual Suspects. एक रूटीन पुलिस लाइनअप कुछ अलग अलग क्रिमिनल्स को साथ लाता है, जो जल्दी ही रियलाइज करते हैं कि ये सिर्फ एक छोटी सी क्राइम नहीं है। उनका हाइस्ट का प्लान एक डेंजरस और क्योटिक सिचुएशन में बदल जाता है, लेकिन असली मिस्ट्री एक अननोन आदमी काइसर सोजे के पहचान के अराउंड होती है। सभी ग्रुप मेंबर्स के अपने अपने एजेंडा होते हैं और जैसे जैसे स्टेक्स बढ़ते हैं, अलायंसेस शिफ्ट होते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, तब वर्बल किंड और पुलिस के बीच एक दिमाग की लड़ाई शुरू हो जाती है। जैसे जैसे किंड स्टोरी बताता है, चीजें और कॉम्प्लेक्स होती जाती है और ऑडियंस को कंफ्यूजन में डाल देती है कि कौन ट्रस्टवर्दी है। फिल्म ऑडियंस के परसेप्शन के साथ खेलती है और एक ऐसा शॉकिंग फिनाले देती है जो सब कुछ बदल देता है। नंबर 2, प्राइमल फियर। मार्टिन वेल एक हाई प्रोफाइल लॉयर है जो नोटोरियस क्लाइंट्स को डिफेंड करते हुए मीडिया अटेंशन एंजॉय करता है, लेकिन उसकी नई केस उसके लीगल सिस्टम के नॉलेज और ह्यूमन नेचर को चैलेंज करती है। एरन स्टैम्पलर एक सीधा साधा आल्टर बॉय लगता है, लेकिन उस पर लगे ब्रूटल क्राइम के इल्जाम का सबूत काफी स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे जैसे वेल एरन की लाइफ और चर्च के काम को एक्सप्लोर करता है, उसे करप्शन और डिसीट के लेयर्स मिलते हैं जो कोर्ट के बाहर तक फैलते हैं। टेंशन्स बढ़ते हैं जब वेल लीगल चैलेंजेस और मीडिया स्पॉटलाइट को नेविगेट करता है। केस क्लियर कट लगता है, लेकिन कुछ शॉकिंग डेवलपमेंट्स स्टोरी को पूरी तरह से ट्विस्ट कर देते हैं। नंबर 3, द सिक्स्थ सेंस। डॉक्टर क्रो एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एक ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद अपने करियर की क्रॉस रोड पर होते हैं। जब वो कोल से मिलते हैं जो मरे हुए लोगों के टेरिफाइंग विजन से परेशान है, तब डॉक्टर क्रो को अपनी रिडेम्पशन का एक चांस दिखता है। कोल के डिस्क्रिप्शंस काफी चिलिंग होते हैं, लेकिन डॉक्टर क्रो को एक रैशनल एक्सप्लेनेशन ढूंढने की उम्मीद होती है। जैसे जैसे डॉक्टर क्रो कोल को समझने के करीब आते हैं, सुपरनैचुरल और रियल वर्ल्ड की लाइन ब्लर होने लगती है। उनकी रिलेशनशिप डीपन होती है और दोनों अपने पास्ट के साथ डील करते हैं, जिससे एक अनफॉरगेटेबल ट्विस्ट आता है जो पूरी स्टोरी को एक नए एंगल से देखने पर मजबूर कर देता है। नंबर 4, फाइट क्लब। नरेटर अपनी व्हाइट कॉलर जॉब और कंज्यूमरिस्ट दुनिया से बोर हो चुका है और फाइट क्लब के फिजिकल और इमोशनल इंटेंसिटी में सोलेस ढूंढता है। टाइलर डर्डन, जो ग्रुप का लीडर है, नरेटर को एक रेबेलियस और केओटिक लाइफस्टाइल इंट्रोड्यूस करता है, जो सोसाइटल नॉर्म्स के ऊपर का फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक तरीका होता है, वो धीरे धीरे कुछ ज्यादा ही बड़ा और डेंजरस बन जाता है। जैसे जैसे नरेटर ग्रुप में इन्वॉल्व होता है, टाइलर का इन्फ्लुएंस बढ़ता जाता है और नरेटर अपनी लाइफ पर कंट्रोल खोना शुरू कर देता है। फिल्म साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडेंटिटी, मैस्कुलिनिटी और फ्रीडम को एक्सप्लोर करती है और एंड में एक ऐसा ट्विस्ट देती है जो सब कुछ रिकंसिडर करने पर मजबूर कर देता है। नंबर 5, मेमेंटो। लियोनार्ड शेल्बी अपनी वाइफ को जस्टिस दिलाने के मिशन पर है, लेकिन उसकी यूनिक कंडीशन उसे नए मेमोरीज बनाने से रोक देती है, जिसे वो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ। उसे नोट्स और टैटूज पर भरोसा करना पड़ता है ताकि वो एक ऐसे वर्ल्ड को नेविगेट कर सके जहां कुछ भी सर्टेन नहीं है। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर से फिल्म ऑडियंस को लियोनार्ड की तरह डिसओरिएंटेड फील कराती है। जैसे जैसे लियोनार्ड सच के करीब आता है, ऑडियंस भी एक कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ मेमोरीज और क्लूज के थ्रू जाती है। उसके आसपास के लोगों के साथ उसकी रिलेशनशिप, कुछ हेल्पफुल और कुछ मैनिपुलेटिव, स्टोरी को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देती है। फिल्म का पावरफुल कंक्लूजन सच और मेमोरी को क्वेश्चन करने पर मजबूर कर देता है। नंबर 6, द अदर्स। एक आइसोलेटेड डार्क मैंशन में ग्रेस अपने दो लाइट सेंसिटिव बच्चों की केयर करती है। घर का ईरी साइलेंस और शैडोज एक ऑप्रेसिव एटमॉस्फेयर बनाता है। जैसे जैसे स्ट्रेंज इवेंट्स होने लगते हैं, ग्रेस सच जानने के लिए और ज्यादा डेस्परेट हो जाती है, अपने बच्चों और खुद की सैनिटी के लिए। पति के घर से बाहर होने पर और बाहर की दुनिया बहुत दूर लगने पर ग्रेस अपनी रियलिटी को लेकर सवाल उठाने लगती है। नए सर्वेंट्स के आने से और भी सस्पिशियस चीजें होने लगती है। फिल्म का स्लो बर्न टेंशन और शॉकिंग कंक्लूजन
ऑडियंस को पूरी स्टोरी को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। नंबर 7, ओल्ड बॉय। 15 साल के कैद के बाद ओडेसु को अचानक रिलीज कर दिया जाता है और उसे रिवेंज लेने का मौका मिलता है। बस कुछ क्रिप्टिक क्लूज के सहारे वो एक रिलेंटलेस क्वेस्ट पर निकलता है ये जानने के लिए कि किसने उसे इम्प्रेजन किया और क्यों। इस जर्नी के दौरान देसु नए अलायंसेस बनाता है और पुराने एनिमीज का सामना करता है, लेकिन जो भी आंसर्स वो पाता है वो सिर्फ उसके इम्प्रेजनमेंट की मिस्ट्री को और कॉम्प्लिकेट कर देता है। देसु की जर्नी ब्रूटल और इमोशनली टैक्सिंग होती है क्योंकि वो अपने वेंजेंस के ऑब्सेशन में कंज्यूम हो जाता है। जैसे जैसे पजल के पीसेस सामने आने लगते हैं, फिल्म डार्क साइकोलॉजिकल टेरिटरी में घुस जाती है और देसु के पास्ट के शॉकिंग ट्रुथ्स रिवील होते हैं। कहानी एक हार्ट स्टॉपिंग ट्विस्ट पर पहुंच जाती है जो रिवेंज और जस्टिस का मतलब पूरी तरह से रीडिफाइन कर देती है। नंबर 8, द प्रेस्टीज। अल्फ्रेड बॉर्डन और रॉबर्ट एंजियर शुरुआत में पार्टनर्स होते हैं, लेकिन एक ट्रैजिक एक्सीडेंट के बाद उनकी राइवलरी बिटर और डेडली बन जाती है। दोनों अल्टीमेट इल्यूजन क्रिएट करने में ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो कम्पीट करते हैं उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बिखरने लगती है। फिल्म सिर्फ मैजिक की दुनिया पर फोकस नहीं करती बल्कि ऑब्सेशन और सैक्रिफाइस के नेचर को भी डीपली एक्सप्लोर करती है, जहां दोनों एक दूसरे को हराने के लिए एक्सट्रीम लेंथ तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे जैसे वो अपने क्राफ्ट की बाउंड्रीज को पुश करते हैं, उनकी राइवलरी और ज्यादा डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस को जन्म देती है। हर ट्रिक के साथ स्टेक्स बढ़ जाते हैं और इल्यूजन्स और रियलिटी के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। द प्रेस्टीज मिसडायरेक्शन के लेयर से भरी है जो एक फाइनल ट्विस्ट तक ले जाती है और पूरी कहानी को रिकंटेक्चुलाइज कर देती है और व्यूअर्स को मैजिक और स्टोरी के कॉम्प्लेक्सिटी से हैरान कर देती है। नंबर 9, शटर आइलैंड। जब एक पेशेंट मिसिंग हो जाता है तब यूएस मार्शल टेडी डैनियल्स को शटर आइलैंड के एक मेंटल इंस्टीट्यूशन के इन्वेस्टिगेशन करने का टास्क दिया जाता है। जैसे ही टेडी केस में घुसने लगता है वो फैसिलिटी, स्टाफ और दूसरे पेशेंट्स के बारे में डार्क सीक्रेट्स अनकवर करता है। आइलैंड का फोरबोर्डिंग एटमॉस्फेयर मिस्ट्री को और इंटेंस बना देता है। जैसे जैसे टेडी आंसर्स ढूंढने की कोशिश करता है वो एक डिसेप्शन और कॉन्स्पिरेसी के वेब में डीपली फंसने लगता है। क्लूज को जोड़ने के दौरान टेडी को अपने ट्रॉमेटिक पास का सामना करना पड़ता है और ये इन्वेस्टिगेशन प्रोफेशनल से ज़्यादा पर्सनल जर्नी बन जाती है। जैसे जैसे वो और डीपली केस में जाता है उसके आसपास की रियलिटी अनसर्टन होने लगती है और एक शॉकिंग ट्विस्ट तक ले जाती है जो उसके मिशन को कम्प्लीटली रीडिफाइन कर देती है। शटर आइलैंड साइकोलॉजिकल टेंशन और सस्पेंस का एक मास्टरपीस है। नंबर 10, गॉन गर्ल। निक डन की दुनिया पलट जाती है जब उसकी बीवी एमी उनकी 5th वेडिंग एनिवर्सरी पर मिसिंग हो जाती है। जैसे ही मीडिया केस पर डिसेंड करती है निक को एक निगेटिव लाइट में दिखाया जाता है और वो पब्लिक के सामने अपनी इनोसेंस प्रूव करने की कोशिश करता है। एमी की डिसअपीयरेंस उनकी सीमिंगली परफेक्ट मैरिज लाइफ में क्रैक्स को रिवील करती है जो सस्पिशन को क्रिएट करती है कि निक शायद इसमें इन्वॉल्व्ड है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है उनकी ट्रबल्ड रिलेशनशिप के डिटेल्स सामने आने लगती है जो उनकी लाइफ को एक डार्कर लाइट में दिखाती है। हर नए रिवलेशन के साथ कहानी और कॉम्प्लेक्स होती जाती है जो मैनिपुलेशन, डिसीट और बिट्रेयल से भरी हुई है। नरेटिव निक के पर्सपेक्टिव और एमी के डायरी एंट्रीज के बीच अल्टरनेट करता है, एक टेंस साइकोलॉजिकल थ्रिलर क्रिएट करता है जो एंड तक व्यूअर्स को गेसिंग मोड में रखता है। शॉकिंग ट्विस्ट्स ऑडियंस को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कैरेक्टर्स के इंटेंशंस और एक्शंस के पीछे क्या सच्चाई है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।